हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो टुडे वी विल डू द एक्टिविटी 16.9 सो दिस एक्टिविटी 16.9 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी साइंस बुक ऑफ ग्रेड 8 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइट राइट इस एक्टिविटी में हम जो है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आंख में वो देखेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं जहां जब हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इनसाइड द आवर आई राइट सो यहां पे हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने यहां पे ये यह देखा था कि वो स्ट्रक्चर जहां से आई से जो है ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है तो ऑप्टिक नर्व बाहर निकल के कहाँ जाती है इट गोज तो थर्ड लेयर थी इट इज रेटिना राइट सो हम देखें कि अगर रेटना पूरा कॉन्टिन्यूस था इधर से भी और नीचे से भी आई एम मीन टू से दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे रेटना डिसकॉन्टिन्यू हो जाता है और उस पॉइंट से जो है नर्व बाहर निकल रही है कौन सी नर्व ऑप्टिक नर्व राइट सो ये जो होता है एक पिन पॉइंट एरिया होता है जहां से जो है ऑप्टिक नर्व जो है बाहर निकल कर जाती है ब्रेन की तरफ वो एरिया जहां से जो है ऑप्टिक नर्व निकल कर बाहर जाती है रेटिना से वो एक बहुत ही पिन पॉइंट होता है और उसमें कोई भी फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं वट डू यू मीन बाई फोटो रिसेप्टर्स फोटो मीन्स लाइट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर सो वी हैव फोटो रिसेप्टर टू काइंड रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई में पढ़ा था लेकिन ये जो ये जो स्ट्रक्चर ये जो पॉइंट है जहाँ पे कोई भी आपके पास फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं हम उनको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट सो वट डू यू मीन बाई ब्लाइंड मीन्स ऐसा स्पॉट ऑन आई जहाँ से जो है हमें दिखना दिखाई देना बंद हो जाता है तो हम इसको कैसे जो है आँ... देखेंगे हमारी आंखों में इसको कैसे प्रैक्टिकली फील करेंगे राइट right? जैसे कि हमने बोला एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देर आर नो सेंसरी सेल इसको कि मैंने फोटो रिसेप्टर सेल्स भी बोला सो नो विजन इज पॉसिबल एट दट स्पॉट इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट क्योंकि यहाँ पे कोई भी विजन नहीं होता यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं यह कह सकते हैं कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट एंड इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द एक्टिविटी सिक्सटीन पॉइंट नाइन चलो अब एक्टिविटी करते हैं सिक्सटीन पॉइंट नाइन सो इन दिस एक्टिविटी यू आर सपोज टू मार्क अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस जैसे कि फिगर सिक्सटीन पॉइंट फाइव वन फाइव में आप देख सकते हो सो वी आर सपोज टू मार्क टू पॉइंट्स दैट इज वन विद द क्रॉस एंड अदर एज अ जस्ट राउंड ऑट राइट सो जो है आपको इस तरीके से जो है पेपर पे जो है मार्क कर लेने हैं मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस राइट द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स मे बी सिक्सटीन सिक्स टू एट सेंटीमीटर सो एज इट हैज बीन टोल्ड सो दट डिस डिस्टेंस शुड बी सिक्स टू एट सेंटीमीटर राइट अब क्या करना है आपको होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म लेंथ फ्रॉम द आई जैसे किन इज राउंड सर्कल एज आई हैव टोल्ड यू एंड अनदर इज द क्रॉस नाउ होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एंड आर्म लेंथ फ्रॉम द आई जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोज योर लेफ्ट आई सो द पर्सन इज सपोज टू क्लोज द लेफ्ट आई नाउ लुक कॉन्टिन्यूसली एट द क्रॉस तो लेफ्ट आई को बंद करके उस पर्सन को क्रॉस की तरफ देखना है मूव द शीट स्लोली टर्ड्स यू अब जो है शीट को अपने पास लेके आते रहना है अब क्या होगा नाउ लुक नॉलुक एट द क्रॉस जैसे जैसे आप शीट ऑफ पेपर को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं आपकी निगाह जो है राइट right आई से आपको जो क्या करना है क्रॉस के ऊपर ध्यान रखना है नाउ मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस तो अपने आप को फोकस रखना है क्रॉस की तरफ वट डू यू फाइन डज द राउंड मार्क डिसअपेयर एट सम पॉइंट येस वट डू यू फाइन आपको ये दिखेगा कि आपको थोड़ी देर बाद ये जो राउंड क्रॉस है वो दिखना बंद हो गया है डज द राउंड मार्क डिसअपेयर एट सम पॉइंट येस इट विल डिसेयर एट सम पॉइंट नाउ क्लोज योर राइट आई अभी हमने इसको लेफ्ट आई से डेमोन्स्ट्रेट किया नाउ विल डू इट विद द राइट आई नाउ क्लोज योर राइट आई लुक एट द राउंड मार्क नाउ अब राइट right आई बंद करके हमें राउंड मार्क की तरफ देखना है डज द क्रॉस जब आप राइट right आई को बंद करोगे सो यू विल सी एट वन पॉइंट आपको क्रॉस दिखना बंद हो गया द डिस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क शो दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना विच कैनोट सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन वेन लाइट फॉल इन इट तो जैसे आपकी आई के एक सेंटीमीटर या तकरीबन दो सेंटीमीटर के पास जब ये आपके पास आ जाएगा तब को ये जो क्रॉस और ये जो है आपको राउंड स्पॉट दिखना बंद हो जाएगा तो ये जो डिसअपयरेंस होगी ये मार्क करता है कि रेटना के ऊपर भी कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये जो आपका रेटना है मैसेज नहीं सेंड कर सकता टू द ब्रेन वेन लाइट फॉल ऑन इट सो इसका रीज़न क्या है कि हमारी आँख के भीतर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसमें कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होते हैं या सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं और ऐसे हम स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट हमारी आँखों के अंदर ब्लाइंड स्पॉट का होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है राइट right? लेकिन अगर आपकी आँखों में एक से ज़्यादा आई ब्रा, ब्रा, जो है ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखाई देते हैं देन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर सो फाइंडिंग वन आई ब्लाइंड स्पॉट इन आई इज़ वेरी नॉर्मल बट इफ यू हैव मोर देन वन ब्लाइंड स्पॉट इन द आई यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग